हेलो स्टूडेंट्स, पिछले बार आपने जो किक करा था, आज हम थोड़ा और एक नया किक करेंगे। सबसे पहले आज करेंगे हम पुशिंग किक, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले ये वाला पोजीशन, ये होता है घूमन पोजीशन, ठीक है। इसके बाद ओपन करना है। इसके बाद में राइट लेग को बैक करना है, राइट लेग इस तरह से सिंपल सा बैक होगा। उसके बाद पुश करना है किक को, पुश, ठीक है। दरवाजे को धक्का मारते हैं ना, जैसे दरवाजा है इसको ऐसे हाथ से बंद करते हैं, सेम वैसे किक से करना है, ठीक है। राइट लेग बैक पुश, ऐसे पुश करना है, ठीक है। मैंने दिखाता हूँ, इस तरफ से दिखाता हूँ, इस तरह से अगर दिखाऊँ तो मेरे लेग को देखो कैसा हो रहा है। पोजीशन एंड पुश, सिंपल, एकदम ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग है, धीरे धीरे ही करना है आपको। सिंपल अभी फोकस ये करना है कि अपने किक को आप पुश कर सको, धीरे धीरे ही आपका किक ऊपर आएगा और स्पीड में आएगा। तो वैसे अब लेफ्ट लेग से करेंगे, लेफ्ट लेग से एंड पुश, सिंपल। राइट से भी उतना ही है और लेफ्ट से भी उतना है, बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना है लेग में, सिंपली पुश, सिंपल, ठीक है। उसके बाद इस वाली पोजीशन में आके अब मैं दोनों लेग से दिखाता हूँ आपको। क्रॉस करना है, क्रॉस करके वन, ये आ गया। उसके बाद फिर दोबारा ये, फिर लेफ्ट वाला क्रॉस और किक पुश, ठीक है, सिंपल। अभी तो आपका ये किक पुश वाला किक हो गया, सिंपल है, और कुछ नहीं करना है। आज मैं और एक चीज़ कहूँगा आपको, जंप के साथ पंच करना, ठीक है। ऐसे डाउन होना है एंड जंप करना है। सबसे पहले तो ऐसा जंप होगा आपका, डाउन एंड जंप, और इसके साथ आपको पंच भी करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ, देखो, ये इस तरह से यहाँ पर रखा हैंड को एंड जंप, ठीक है, सिंपल। एकदम स्पीड में आना चाहिए, वन डबल साउंड, काउंट नहीं करना है आपको, सिर्फ साउंड करना है। काउंट में आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। पोजिशन अगेन एंड जंप, सिंपल, ठीक है। स्लो में करके ऐसे डाउन अप, वन टू, वापस इसी पोजीशन में जंप, सिंपल। ये दोनों चीज़ आपको करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना था, राइट लेग बैक पुशिंग किक, सिंपल। फिर लेफ्ट से पुशिंग किक, सिंपल। उसके बाद इस तरह यहाँ पे वेंट रखना हैंड को, दोनों हैंड को, सिंपल जैसे बाकी पोजीशन में करते हैं वैसे ही। उसके बाद यहाँ रखना हैंड को, जंप पंच, अगेन जंप पंच, सिंपल।